चार सबसे आसान तरीके छवि की जांच करें कॉपीराइट है या नहीं। आज तो मजा ही आ गया कि हमको ये पता लग सकता है कि इमेज कॉपीराइटेड है कि नहीं। फोर इजीएस्ट वे टू चेक द इमेज इज कॉपीराइटेड और नॉट। उसके लिए सबसे पहले आपको चार मेथड आने चाहिए, चार रूल पता होने चाहिए। इट्स टाइम टू क्लियर दैट विच इमेजेस कॉपीराइट कम अंडर फेयर यूज ऑनली ऑनलाइन। आपका कुछ इमेज जो होती है वो फेयर यूज कर सकते हैं कुछ लोग, जो हम पहले ही रूल आपको पॉलिसीज में बता चुके हैं। फोर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ एन इमेज इज प्रोटेक्टेड बाय अ कॉपीराइट। तो चार मेथड हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि इमेज कॉपीराइटेड है कि नहीं है। नो जनरल साइन ऑफ अ कॉपीराइट इमेज। अब उस पर जनरल साइन इमेज पे होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इमेज कॉपीराइट है कि नहीं। रिसर्च टू डिटरमाइन इफ एन इमेज इज कॉपीराइटेड। अगर आप उसको रिसर्च करिए कि वो कॉपीराइटेड है कि नहीं है। अंडरस्टैंड हाउ द US कोर्ट इवेलुएट्स द फेयर यूज ऑफ फेयरनेस ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट। और US कोर्ट का कुछ रूल है जो आपको अलाउ करता है कि कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हैं और किस लिमिट तक यूज कर सकते हैं। और जस्ट आस्क टू द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द इमेज। जिसने इमेज बनाई है उससे पूछ के आप उसकी इमेज को यूज करिए। फर्स्ट है नो जनरल साइन और प्रोटेक्टेड इमेज। अब जनरल साइन क्या होता है? सम ऑफ द मोस्ट सिंपल वे टू फिल्टरिंग आउट अ प्रोटेक्ट इमेज इंक्लूड चेकिंग फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जिसके लिए चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, वाटर मार्क, उस पर वाटर मार्क होगा। रिमूव अ वाटर मार्क फ्रॉम समवन एल्स प्रॉपर्टी इज पॉसिबल येट हाईली डिस्करेज। आप अगर वाटर मार्क है फिर भी इसको यूज कर रहे हैं रिमूव करके तो वो गलत है। अ कॉपी राइटेड सिम्बल लोकेटेड ऑन द इमेज। और अगर कॉपी राइटेड सिम्बल उस पर है और फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो वो भी इलीगल है। अ नोट इंडिकेटिंग ओनरशिप और सोर्सिंग ऑफ द इमेज। और आपका सोर्स कौन सा है इमेज का जानने के बाद भी आप उसको यूज करते हैं तो गलत है, आपको उसको पता कर लेना चाहिए। इट्स नॉट योर्स। कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, चाहे वो इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो चाहे वीडियो हो, कभी भी कोई भी कुछ वो बनाता है तो वो उसका हो जाता है और उसको कॉपीराइट तुरंत मिल जाता है। ऑल दो नॉट ऑल इमेजेस हैव बीन ऑफिशियली कॉपीराइटेड एट द क्रिएशन ऑफ द इमेज द स्नैप ऑफ द पिक्चर द वर्क हैज इमीडिएटली बिकम अ कॉपीराइटेड एंड द ओनर इज द ओनली पर्सन विद अ लीगल राइट टू डिस्ट्रीब्यूट रिप्लेस और डिस्प्ले द वर्क। और केवल ओनर को ये राइट होता है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, रिप्लिकेट करे और डिस्प्ले करे, और किसी और को ये राइट नहीं होता कि उस इमेज को वो यूज करे। नोट सो वी कांट यूटिलाइज एनी वन एल्स इमेज सिंस दे आर लीगली कॉपीराइटेड। तो किसी का भी क्रिएशन आप नहीं यूज कर सकते विदाउट उसकी परमिशन के। रिसर्च टू डिटरमाइन इफ एन इमेज इज कॉपीराइटेड। आप कैसे इसको पता करें कि वो कॉपीराइटेड है, वाटर मार्क है और उस पर नोट लिखा है और उस पर सिंबल बना हुआ है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो कैसे पता है? कंडक्ट अ रिवर्स सर्च ऑन द इमेज। सी इंस्ट्रक्शन बिलो। दिस विल बी अलाउ यू टू व्यू वेयर द इमेज हैज बीन पोस्टेड एंड पॉसिबली हु इज द प्राइम पोस्टर ऑफ द इमेज, प्राइमरी पोस्टर ऑफ द इमेज। अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा उसके सिंबल से और आप अननोन है उससे, तो आप रिवर्स सर्च करके इमेज को पता कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? google.com इमेजेस पे जाइए, क्लिक कैमरा करिए बटन और सर्च बार, देन चूज टू अपलोड अ पिक्चर दैट यू हैव सेव टू योर कंप्यूटर और एंटर द लिंक टू एन इमेज, सेलेक्ट द ब्लू सर्च बाय इमेज बटन, अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट इमेजेस हैव बीन एम्बेडेड इन वॉल इन विल अपीयर। जैसे ही आप उसको करिएगा वो जहाँ जहाँ पर पोस्टेड है वो अपेयर हो जाएगी। विजिट द US कॉपीराइट ऑफिस और रिक्वेस्ट एन ऑफिशियल रिपोर्ट। वंस यू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द इमेज देयर ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू आस्क द ओनर फॉर परमिशन टू यूज। एक ही चीज़ बचती है कि आप ओनर से परमिशन दीजिए कि हम इस इमेज को यूज कर लें कि नहीं कर लें। अब कैसे ये गूगल पे करते हैं उसके लिए हमको पहले गूगल पे जाना पड़ेगा।
अब यहाँ पे लिखिए google.com/images और एंटर करिए। इमेजेस नॉट फाउंड बोल रहा है, HTTP लिखना पड़ेगा ना, https://www.google.com/images ये आया। अब जब ये आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेजेस पे चले जाना है। जब इमेजेस पे जाइएगा देखिए कैमरा आ गया। अब कैमरा जब आ गया तो वो कह रहा है आप पेज पेस्ट इमेज URL कर दीजिए या अपलोड एन इमेज कर दीजिए। तो अब हमें कोई भी कंप्यूटर से इमेज लेते हैं और देखते हैं कि वो करता है कि नहीं करता है। तो मान लीजिए हमने कोई इमेज ली, यहाँ पे कोई इमेज है ये, तो इसको ले करके अपलोड कर देंगे। तो अपलोड कैसे करेंगे, जा करके यहाँ पर अपलोड पे दबाएंगे, अपलोड एन इमेज, चूज फाइल करके हम डेस्कटॉप पर जो इमेज थी उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। कोई भी इमेज ले करके अपलोड करना पड़ेगा। तो वो थी ना एक इमेज ही है, इसको अपलोड किया। अब देखिए ये इमेज है तो पॉसिबल रिलेटेड सर्च वर्टिकल नो अदर साइज ऑफ द इमेज फाउंड, इस तरह की इमेज नहीं मिली इसको, वर्टिकल में है नहीं है। तो अगर इस तरह से आता है तो आपकी इमेज जो है वो कॉपीराइटेड नहीं है। और या फिर यहाँ पर टूल्स में देख लीजिए, टूल्स में जाकर के इमेज के टूल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर इमेजेस किया, मोर गए, मोर में देखिए ये आ रहा है, टूल्स में गए, टूल्स में देखिए ये आ रहा है। अब यहाँ पे साइज दे रहा है, कलर दे रहा है, टाइप दे रहा है, यूसेज राइट दे रहा है। यूसेज राइट में अगर क्रिएटिव कॉमन है तो उसमें आना चाहिए, और अगर क्रिएटिव, ये देखिए टेक्स्ट पे भी आप जो सोचते हैं कि कॉपीराइट नहीं, टेक्स्ट पे भी कॉपीराइट होता है। तो आप कहीं से कॉपी करके जो टेक्स्ट लाते हैं उस पर भी कॉपीराइट होता है, पिक्चर पे भी कॉपीराइट होता है, ये देखिए सब पे कॉपीराइट है। अब कहाँ से इंफॉर्मेशन है, वॉन्ट टू नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम, लर्न मोर। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दे देगा फाइंड गूगल इमेज डिटेल। अब ये सारा कुछ यहाँ पे दे रहा है, सर्च फॉर इमेज ऑन गूगल, यहाँ से आप इमेज को सर्च कर सकते हैं, ट्रबल शूट इशू ऑन गूगल इमेज, टाइप प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, क्लियर योर ब्राउजर कैश, टर्न ऑफ एनी टूल बार। अब यहाँ पे जाकर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, गूगल में बहुत कुछ दे रखा है जिससे आप इमेजेस की कॉपीराइट पता कर सकते हैं। तो ये तो रहा गूगल की रिवर्स सर्च फैसिलिटी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पर आया विजिट कॉपीराइट कर चुके हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से करंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने कहा था कॉपीराइट ऑफिस रिक्वेस्ट एन ऑफिशियल रिपोर्ट। अब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपने अगर किसी इमेज को यूज़ कर लिया ओनर से, अगर वो परमिशन दे देता तब तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इंफ्रिंजमेंट का प्रॉब्लम होगी। लर्न हाउ द कोर्ट इवेल्युएट फेयर यूज, अब कैसे फेयर यूज को इवेल्युएट करता है कोर्ट, आपने यूज तो कर लिया लेकिन कोर्ट कैसे फेयर यूज को इवेल्युएट करता है उसको देखते हैं। अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस अंडर एनालिसिस ड्यूरिंग एन इंफ्रिंजमेंट इन्वेस्टिगेशन दैट डिटरमाइन राइट टू एन इमेज जनरली इंक्लूड, अब पहला है हाउ इज इट बींग यूज, कैसे यूज की गई है, आपने उसको मॉडिफाई किया और अच्छे से उसको बनाया और एनरिचमेंट पर सोसाइटी को और बेनिफिट देने के लिए, तब तो वो मानी जाएगी, अदरवाइज
In order to avoid infringement of copyright, one must substantially alter and repurpose the original work. If you can prove that you have utilized the image to add value in different manner, the use may be protected by considering it an enrichment of society. अगर आपने कुछ और उसमें value add की और उसको society के benefit के लिए use किया है, तब तो वो infringement में नहीं आएगा, otherwise वो infringement में fair use में आएगा, otherwise वो infringement में आएगा. What is the nature of the copyright piece? अब copyright piece का nature क्या है? They refer more to textual copyright such as in novel or bio. आपने जो use किया है वो novel और biography में है और वो किसी की वैल्यू को कम कर रहा है और उसको लॉस दे रहा है, आपने किसी दूसरे के नॉवेल यूज किए तो वो इंफ्रिंजमेंट में आएगा. हाउ मच और व्हाट पोर्शन ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क इज बीइंग यूज्ड, कितना पोर्शन आप कॉपीराइट वर्क का यूज कर सकते हैं. इन द इंस्टेंस दैट एन इमेज हैज बीन अन अल्टर एडिक्वेटली, वन मे बी अ प्रोटेक्टेड अंडर अ डिमिनिशिंग डिफेंस. अब अगर आपने पूरी तरह से पिक्चर को अल्टर कर दिया है तो वो डिमिनिशिंग डिफेंस में आ जाएगा, लेकिन आपने बहुत छोटी पिक्चर भी ली है और उसको अल्टर नहीं किया है तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है और जो क्रिएटर है उसको फुल राइट है कि आपको इंफ्रिंजमेंट में कॉपीराइट क्लेम दे. व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस डज द कॉपीराइट वर्क हैव ऑन ऑडियंस और मार्केट. इफ योर यूज ऑफ इमेज solicits the negative attitude towards the owner of the piece or diminish their income, you may be sued. अगर आप किसी की चीज यूज करते हो और उसका इनकम कम होती है तो आपको इंफ्रिंजमेंट को झेलना पड़ेगा और कॉपीराइट मिल सकता है. Just ask, before embedding an image, you did not create, always obtain permission from the owner of the piece. If you did not find it on a public domain or with creative common licensing. अगर आपने किसी का use किया तो generally आप use कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आप stealing कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं और infringement कर रहे हैं. Generally लोग दूसरे लोगों की image को use कर लेते हैं तो वो problem कर सकता है. Simple, if you didn't write it, it wasn't your and you shouldn't use it without proper एट्रीब्यूशन. और अगर आपने एट्रीब्यूशन भी नहीं दिया है तो वो और प्रॉब्लम करेगा. किसी का कुछ भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, कुछ भी आप यूज करें तो उस आदमी को एट्रीब्यूशन दीजिए. थिंग्स आरंट मच डिफरेंट ऑनलाइन, ओनली दैट द मेन कंसर्न ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क इजंट अ प्लैगियरिज्म बट रादर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट. आप कुछ ये भी अगर आप किसी का यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है. अंटिल यू कैन प्रूव दैट एन इमेज इज नॉट कॉपीराइटेड, डोंट यूज इट. अगर आपको पता है कि वो कॉपीराइटेड है तो मत यूज कीजिए और नहीं पता है तो भी मत यूज कीजिए जब तक कि पता न लग जाए. देर आर मैनी वेबसाइट दैट ऑफर फ्री हाई रेजोल्यूशन स्टॉक फोटो टू यूज हाउ एवर यू लाइक, जिसमें से स्टॉक स्नैप डॉट आईओ है, अनस्प्लैश डॉट कॉम है और बहुत सी साइट हम एक बार बता चुके हैं तो वहाँ से हम लोग पिक्चर को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर. गो टू कम्युनिटी, कमेंट ऑन वीडियो एंड पोल, आस्क क्यूरीज इफ एनी, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Join my Telegram channel Takratan and please subscribe and run my video. I need the watch time. Please. Thank you.